दोस्तों अभी हम लोग एक बायोमैग्नेट का डेमो करने जा रहे हैं। हम लोग बायोमैग्नेटिक मैट्रेस मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और जंबो किंग साइज बायोमैग्नेटिक ब्रेस्टेड हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। वैसे तकरीबन 30 प्रोडक्ट हमारे मार्केट में है बायोमैग्नेट से रिलेटेड। वैसे हम लोग 200-500 हज़ार मैग्नेट डालते हैं एक मैट्रेस में। ये इतना छोटा सा मैग्नेट है, इसको बोला जाता है हाईली पोलराइड नेचुरल नियोडिमियम बायोमैग्नेट। दिस इज द रेयर अर्थ नेचुरल बायोमैग्नेट। इसके अंदर है ना, इसको आप अगर तोड़ेंगे ना तो इसके अंदर मिनरल्स निकलते। ये मिनरल जो है ये नेचुरल मिनरल्स होते हैं जो जमीन से 600 फीट नीचे से लाए जाते हैं और इसको निकेल कोटिंग करके इसको बनाया जाता है। इसको नैनो मैग्नेट भी बोला जाता है, बायोमैग्नेट भी बोला जाता है। ये जमीन से 600 फीट नीचे से लाके इसको बनाया जाता है। इट्स वेरी पावरफुल। ये इतना छोटा मैग्नेट, मतलब ऑर्डिनरी 100 kg मैग्नेट, इतनी पावर इसके अंदर स्टोर है। और ऐसे बहुत सारे मैग्नेट हम लोग मैट्रेस में डालते हैं, 150, 200, 300, जैसा आपकी साइज है, जैसे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग ये मैग्नेट उस मैट्रेस के अंदर हम लोग डालते। दिस इज द हाईली पोलराइड नेचुरल नियोडिमियम मेडिकल ग्रेड का मैग्नेट। इसमें दो टाइप के मैग्नेट आते हैं, एक इंडस्ट्रियल ग्रेड का आता है, एक मेडिकल ग्रेड का आता है। दिस इज द मेडिकल ग्रेड मैग्नेट, ओके, जिसके अंदर मिनरल्स है। अभी मैं आपको एक छोटा सा डेमो दिखाऊंगा। देखो चावल अच्छी तरह से उबला है कि नहीं उबला, उसके लिए पूरे चावल में हाथ डालने की जरूरत नहीं। चावल का एक आप दाना भी उठा के देख लोगे तो पता चलेगा उसमें वो पका है कि नहीं पका है। तो उसी तरह से हम लोग अभी एक डेमो दिखा रहे हैं। इसमें मैं आपको पानी ले रहा हूं, इसके अंदर पानी डाल रहा हूं उसका, ओके। अब यहां पे मैं इसको पानी रखता हूं और ये मैग्नेट यहां पे रखूंगा और इसके ऊपर ये जो बिस्लरी का ढक्कन है वो मैंने वहां पे रख दिया, ओके। अब ये पानी चार्ज हो जाएगा, 2 मिनट के बाद ये पानी पूरी तरह से चार्ज हो जाएगा। और वो पानी पिलाने की भी जरूरत नहीं, उसका सिर्फ एक बूंद में हाथ में डालूंगा ना, उसमें क्या मिराकल होता है, क्या बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं, वो अभी हम लोग यहां पे देखेंगे, राइट। तो डोगरा साहब है, डोगरा साहब के ऊपर मैं एक साइंटिफिक, प्योर साइंटिफिक और एविडेंस के साथ डेमो करूंगा। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये कोई हाथ चालाकी या कुछ ट्रिक है, इसमें कोई ट्रिक नहीं, ये प्योर साइंस है। ये जो है सेंट्रल ग्रेविटी फोर्स का एक डेमो है। हमारा जो अर्थ है ना वो खुद एक ह्यूज मैग्नेट है, उसमें से मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी निकलती है। वो फ्रीक्वेंसी हम देख नहीं सकते, वैसे इस मैग्नेट से भी फ्रीक्वेंसी निकल रही है, हम देख नहीं सकते। तो अभी एक मैं साइंटिफिक डेमो मिस्टर डोगरा साहब को दिखाऊंगा, उसको सेंट्रल ग्रेविटी फोर्स बोलते हैं, बैलेंसिंग का डेमो। बॉडी इनकी कितनी बैलेंस है वो पता चलेगी। इनका अगर ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल परफेक्ट होगा तो इनकी बॉडी बैलेंस रहेगी, अगर बैलेंस नहीं है तो इनबैलेंस हो जाएगी। तो हम लोग एक साइंटिफिक डेमो करेंगे। दिस इज द प्योर साइंटिफिक डेमो, 100% साइंटिफिक डेमो। इसके ऊपर मेरे पास बहुत सारे लिटरेचर है। तो डेमो करने के लिए हमें पहली बात तो बिल्कुल आपको डोगरा साहब बिल्कुल स्ट्रेट खड़े रहना है, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट खड़े रहना है। और आपके अंगूठे हमेशा ध्यान रखना है कि आपको एडी और आपके अंगूठे टच होना चाहिए, ऐसे स्प्रेड नहीं होना चाहिए। आपको बिल्कुल आपके अंगूठे और एडिया जुड़े होने चाहिए, जुड़े अंगूठे, पैर का अंगूठा और ये आपका जुड़ा होना चाहिए। बिल्कुल स्ट्रेट खड़े रहना है और आपको हाथ आगे करने हैं, ओके, बिल्कुल एल एंगल में। देखिए दोस्तों बॉडी जो है ना अपनी एल एंगल में होना जरूरी है, ये ऐसे एल एंगल में, कमर में बिल्कुल झुकना नहीं है आपको, और आपके एडिया और अंगूठे ज्वाइंट होना जरूरी सख्त। दिस इज द बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर और आफ्टर हम लोग डेमो करेंगे। और एल्बो स्ट्रेट होना चाहिए, एल्बो आपको झुकाना नहीं है बिल्कुल। और यहां पे कुछ भी हमको धक्का नहीं करना, हम लोग ऊपर करेंगे, आपको रजिस्ट करना, बी कंफर्टेबल, बस रिलैक्स हो जाओ। अभी वापस हम लोग डेमो करेंगे, आपको अंगूठे और एडिया ज्वाइंट करनी है, बी कंफर्टेबल, हैंड स्ट्रेट, ओके, या आई विल पुश यू अपवर्ड, यू हैव टू रजिस्ट मी। आपको क्या करना है, पूरी ताकत लगा देना है, मुझे हाथ को ऊपर नहीं करने देना, और 8 सेकंड करना है, ओके, 1 2 3, हाँ लगाइए ताकत, पूरी ताकत लगाइए, क्लियर हो रहा है। मेरे पास अगर 100% एनर्जी है ना तो उसमें 0.0.0.1% एनर्जी भी मुझे डोगरा साहब के ऊपर अप्लाई करने नहीं पड़ रही, आप रजिस्ट नहीं कर पा रहे, बरो? तो ये हुआ बिफोर, वापिस करिए आप, वापिस एक बार हम चेक कर लेते हैं, हाथ आगे, एल्बो स्ट्रेट, मैं आपको पुश करूंगा, आपको पूरी ताकत लगा देनी, 1 2, जितनी ताकत है अपनी पूरी ताकत लगाओ, जिस भगवान को आप मानते हो उस भगवान का नाम ले लो, हाँ, क्लियर हुआ। देखो ये जो डेमो हम कर रहे हैं ना, ये रजिस्ट नहीं कर पा रहे, तो हमारे बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी है वो क्लियर हो रहा है। अच्छा ये डोगरा साहब हो, डोनाल्ड ट्रंप हो, या फिल्म स्टार सलमान खान हो, या रास्ते पे सब्जी बेचने वाला हो, सबकी हालत यही है। जो कुदरत से आज हमको मैग्नेटिक पावर मिलना चाहिए, जिस पंच तत्व से हमें हमारी बॉडी बनी है, वो पंच तत्व आज हमको प्योर नहीं मिल रहे, राइट। पंच तत्वों में से 5th एलिमेंट इज अर्थ का मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी, अर्थ का मैग्नेटिक पावर। तो ये हमारा जो डेमो हम कर रहे हैं उसमें ये डेमो बोल रहा है कि हमारे बॉडी में डेफिशिएंसी है, वो डेफिशिएंसी है। दोबारा से हम लोग करते हैं सेम डेमो, एल्बो स्ट्रेट,
देखिए दोबारा हम करते डेमो, तीन बार फिर मैं आपको मैग्नेटिक वाटर डाल के डेमो करूंगा, पूरी ताकत लगा देनी जितनी ताकत है आपने, पूरी ताकत लगा दो ताकत, क्लियर हो रहा है? मुझे बिल्कुल भी ताकत लगानी नहीं पड़ रही, एकदम फुल के जैसा आराम से पीछे हो रहे, रजिस्ट नहीं कर पा रहे, तो हमारी बॉडी इंडिकेट कर रही है कि हमारा बॉडी इंबैलेंस है, अंदर से अंदर कुछ ना कुछ डिसऑर्डर है और प्रॉब्लम है। तो उसको फुलफिल करने के लिए हम लोगों ने बायोमैग्नेटिक मैट्रेस और बायोमैग्नेटिक ब्रेसलेट और ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमने बनाए। बेसिकली ब्रेसलेट और मैग्नेट, बायोमैग्नेट, रेयर अर्थ नेचुरल बायोमैग्नेट, दिस इज मेडिकल ग्रेड मैग्नेट, ये आपके बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करके शरीर के अंदर ऑक्सीजन बढ़ाता है। जैसे अपना खुराक खाना है रोटी सब्जी दाल चावल, तो वैसे हमारे जो ऑर्गन पार्ट है उसका खुराक ऑक्सीजनेटेड न्यूट्रिशियस ब्लड है, उसको अगर ऑक्सीजनेटेड न्यूट्रिशियस ब्लड मिला तो हेल्दी रहेंगे। ओके, तो आज हमें जितने मात्रा में ऑक्सीजन मिलना चाहिए ब्लड सेल्स को नहीं मिलता है। हमारे बॉडी के अंदर 70% ब्लड है, उसके अंदर हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन नाम का कंपोनेंट है, आयरन के साथ मैग्नेट अट्रैक्ट होता है, और आयरन बॉडी के अंदर जो हमारा आयरन नाम का कंपोनेंट है वही ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करने का काम करता है। जो हमारे हम जो सांस लेते हैं ना, जो लंग्स में हमारी ऑक्सीजन जाती है उसको बाइंड और ऑक्सीजन को कैच करने का काम, एब्सॉर्ब करने का काम आयरन नाम का कंपोनेंट करता है। तो जैसे ही मैं पानी आपके हाथ में डालूंगा आपके ब्लड सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे, ब्लड सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे तो आपके बॉडी के अंदर एनर्जी क्रिएट हो जाता है। तो अगर ये 2-5 मिनट मैंने यहां पे पानी रखा तो इतना चार्ज हो गया, तो आप अगर कंटिन्यू 7-8 घंटा उस मैट्रेस पे सो जाएंगे, उस तकिया पे सोएंगे, प्लस एक वाटर एनर्जी पैड भी हम दे रहे हैं, तो हमेशा आपको पानी पीना है, उस मैट्रेस पे सोना, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हम आपको देंगे। तो अभी क्लियर हुआ, आप रजिस्ट कर पाए क्या? नहीं कर पाए, बिल्कुल भी रजिस्ट नहीं कर पाए। अभी मैं आपको ये जो मैग्नेटाइज वाटर, एक सिंगल मैग्नेट रखा हमने, हम तो आपको मैट्रेस में 200-300 मैग्नेट डाल के देते, एक सिंगल मैग्नेट क्या असर करता है, क्या कमल करता है, हम लोग देखेंगे। तो अभी ये जो पानी है, बिल्कुल आपको स्ट्रेट खड़े रहना है जैसे आप पहले खड़े रहे। ये मैंने पानी लिया, अब मैं ये डोगरा साफ, हाथ आगे करिए, हाथ आगे करिए, सेम डेमो हम लोग वापस करेंगे। ये सादा पानी है, फ्रिज का पानी नहीं आपको यूज करना है, सादा पानी, वो भी हाथ कर दीजिए आगे। ओके, अब मैंने डोगरा साफ के ऊपर है ना पानी छिड़क दिया, और वापस उसी मैग्नेट के ऊपर ये मैंने रख दिया, ये मैग्नेट इसको इसी को चिपका हुआ है। ओके, ये यहां पर रख दिया मैंने। अभी आप ऐसा करिए, इसको ऐसा 5-6 बार कर दीजिए, जोर से इसको अच्छी तरह से बॉडी के अंदर ये सर्कुलेट हो जाता है विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। ओके, अभी सेम डेमो हमको दोबारा करना है। ओके, बिफोर पहले मैंने किया, अब आपको फिर अब पूरी ताकत लगा देनी, एल्बो स्ट्रेट, बोट टो जॉइंट बिल्कुल स्ट्रेट खड़े रहना, बॉडी एल एंगल में होना जरूरी है। ओके, मैं आपको पुश करूंगा, यू हैव टू रेजिस्ट मी, वन टू, हाँ लगाओ ताकत, लगाओ ताकत, लगाओ, छोड़ो छोड़ो, ये आपका एनर्जी लेवल बढ़ गया। पहले क्या था, मुझे आपके ऊपर बिल्कुल भी ताकत लेने की लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बिल्कुल फूल की तरह आप गिर जाते थे। एक्चुअली इतनी एनर्जी आप में है, लेकिन जो कुदरत से जो आपको पावर मिलनी चाहिए, जो अर्थ, हमारा जो अर्थ है उससे जो मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, और ये डेफिशिएंसी ही आपको 300 टाइप के डिसीज होने का एक रूट कॉज बन सकता है। हम लोग बोलते हैं लोगों को कि 99.99% कॉजेस ऑफ द डिसीज ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल का मतलब होता है, अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन ऑक्सीजन लेवल वीक हो गया तो आपकी पूरी बॉडी वीक हो जाती है। अभी देखो रेजिस्टेंस पावर जबरदस्त बढ़ा आपका, जबरदस्त बढ़ा। दोबारा से हम लोग डेमो करते हैं, ये सेम डेमो दोबारा करते हैं, मैं आपको और पानी लगाता हूं, हाथ आगे। ओके, सिर्फ 2 बूंदे छिड़क दी, देखो पिलाया भी नहीं पानी, पानी को पिए भी नहीं हो, जस्ट 2-3 बार। अभी हम लोग फिर से डेमो करते हैं, 2-3 बार हमने पानी लगाने से पहले किया, 2-3 बार लगाने के बाद किया, और ये फील होता है, मुझे भी फील होता है, इनको भी फील होता है। एल्बो स्ट्रेट, और मैं आपको ताकत लगाऊंगा, पूरी ताकत लगा दे, हाँ लगाई ताकत, लगाई 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 लगाई, क्लियर है? जो रेजिस्टेंस पावर आपका बढ़ा, मतलब बहुत जबरदस्त रेजिस्टेंस आपको फील हुआ। बस यही डेमोस्ट्रेशन हमको दिखाना है, दिखाने से पहले बिफोर एंड आफ्टर सेम, अंगूठे एडीए जॉइंट होना चाहिए आपको, स्ट्रेट खड़ा रहना है, एल्बो स्ट्रेट, और पहले पानी नहीं डालना है, पहले उनको छूने भी नहीं देना है मैग्नेट को। ओके, और वो डेमो दिखाओ, बाद में पानी छिड़को, सी द डिफरेंस, सामने वालों को भी पता चलता है, आपको भी पता चलता है। ओके, तो ये एक डेमो हुआ, नहीं चलो अभी हम लोग दूसरा डेमो करेंगे, दूसरा डेमो ऐसा है, सेम डेमो, लेकिन अभी ये मैग्नेट डालने के बाद शायद वो नहीं आएगा, आपको ऐसे करना है, क्योंकि हमने अब बिफोर एंड आफ्टर होगा नहीं, आगे आगे पीछे दोनों कर सकते, एक आगे कर सकते पीछे कर सकते, लेकिन ऑलरेडी आपको मैग्नेट हमने दे दिया, तो सेम टाइम दोनों डेमो हम करेंगे तो भी रिजल्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पे ऐसा किसी को अपन लेके लटक सकते हैं, यहाँ पे कंधा लेके एक बंदा यहाँ पे लटकेगा ना तो भी आप हिलेंगे नहीं, बिफोर एंड आफ्टर सेम करना है।
पीछे से भी पीछे टर्न करिए आप उधर उधर, हाँ अंगूठे टोज जॉइंट। दूसरा डेमो अपना ऐसा होता है, यहाँ पे किसी को लेके अपने को लटक जाना है, एक बंदे को और तीसरा बंदा भी चाहिए, और इसको लगाओगे ना लटक भी जाओगे, झूल भी जाओगे ना, एक 110 किलो का बंदा, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ दिख दी 110 किलो का बंदा भी आपसे झूल जाए ना, 150 किलो बंदा भी झूल जाए तो आप हिलेंगे नहीं, लेकिन पहले तो आप छोड़ ही देंगे, मतलब पूरा कोलैप्स हो जाएंगे। हाँ तो ये दो डेमो हो गए, एक आगे से हो गया, एक पीछे से हो गया, एक अपना ये हो गया, दूसरा एक उंगली वाला डेमो भी आता है इस तरह से, इस तरह से दो मेरी छोटी उंगलियां हैं, नहीं आप ऐसा करिए मेरी दो उंगली से मैं इसको अलग करने की कोशिश करूंगा। ओके लगाई ताकत, लगाई ताकत। अभी आपको मैग्नेटिज वाटर डाला करके वो डेमो परफेक्टली नहीं होगा, क्योंकि पहले हम बिफोर करते फिर आफ्टर करते, लेकिन आपको एक पता चल गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, फिर उसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी का डेमो भी है। आपको एक पोजीशन पकड़ लेनी है और आपको इस तरह से फ्लेक्सिबिलिटी का डेमो होता है, पीछे आपको ना एक बंदा खड़ा कर देना, वो आपको मार्किंग ले लेगा, जैसे आप करो ऐसे ऐसे खड़े रहना आपको बिल्कुल स्ट्रेट अंगूर ऐसे सीधे पैर करके, और आपको पैर हिलाना नहीं बाद में। ओके और जितना हो सके पीछे लेकर जाइए, लेकर जाइए, हाँ जितना हो सके पीछे, क्योंकि अभी आपको ऑलरेडी हमने एनर्जाइज कर दिया है। हाँ ओके अब मैंने यहाँ पे आपका मार्किंग ले लिया, ठीक है छोड़ दीजिए। ओके यहाँ पे एक मार्किंग बंदा करता है, फिर हम आपको पानी डालते हैं और फिर डेमो, मतलब इसके लिए क्या करते हैं, हमको अलग अलग 5-6 लोग लेते हैं हम लोग, जैसे आप पे एक डेमो कर दिया तो अभी आउट हो गए आप, क्योंकि वो डेमो वापस होगा नहीं आपके पास, बिफोर एंड आफ्टर, एक डेमो एक के साथ, दूसरा डेमो दूसरे के साथ, तीसरा डेमो तीसरे के साथ, चौथा डेमो चौथे के साथ, ऐसे 5 से 6 डेमो करते हैं। दूसरा हम लोग कुर्सी से उठाने वाले, एक स्टूल रखते हैं हम लोग और इधर कंधे में हाथ रख के उसको उठाते ऊपर, आप पहले 5-6 जन मिलकर उसको उठाने की कोशिश, 2 इंच भी हिला नहीं पाएंगे उसको, लेकिन जैसे सब सबके हाथ में पानी डाल देंगे सीधा आप छत पे चले जाओगे, इतना एनर्जी क्रिएट होता है, पूरा उठा लेते उसको दो उंगली में, वो भी पूरे हाथ से नहीं, सिर्फ दो उंगली, और उंगली भी हम लोग ऐसे ही रखते हैं और उसको उठा के ऊपर, या बगल में और इधर पैर में, वो भी मैं दिखा दूंगा। ऐसे बंदा जब बैठता है ना, आप बैठिए यहाँ पर बैठ जाए, तो जनरली आप पैर सीधे कर दीजिए, हाँ तो नहीं ऐसे जमीन पे रख दीजिए, यहाँ से हम लोग उठाते हैं, यहाँ से एक बंदा वहाँ से, एक बंदा और एक बंदा बगल से उठाता है ये दो उंगली से, और सीधा उठा के आपको गणपति कर देते हैं। हाँ ओके तो क्लियर है आपको। तो इस तरफ से अभी ये 5 डेमो है, अलग अलग डेमो है, लेकिन अभी फिलहाल ये 5 डेमो काफ़ी हो गए डेमो। इससे ये पता चलता है कि आपकी रजिस्टेंस पावर कम है, रजिस्टेंस पावर उतना ही अपने को दिखाने का। देखो क्या है, चावल उबला के नहीं उबला, हम पूरे चावल में तो हाथ नहीं डालते, आपको ये तो फील हुआ ना यार मेरी एनर्जी लेवल बढ़ी। ओके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वजह से और कुदरत से हमको मैग्नेटिक पावर मिल नहीं रही। खाली मोबाइल आप अपने जेब में भी रखते हो तो आपको 20-25% ब्लड सर्कुलेशन फ्लैक्चुएट हो जाता है, वीक हो जाता है। तो एक सिंगल मैग्नेट अगर इतनी एनर्जी दे सकता है तो 200 मैग्नेट 500 मैग्नेट क्या कहर डाल सकते हैं आप देखो। और बायोमैग्नेट कभी भी आपके ऊपर साइड इफेक्ट कभी नहीं करता। बायोमैग्नेट इज अ नेचुरल मैग्नेट। जो आज अर्थ से आपको मैग्नेटिक पावर नहीं मिल रही वो पावर हमारी मैट्रेस आपको दे रही। तकरीबन 12 साल हमने इसके ऊपर रिसर्च किया, बहुत स्टडी की, लाखों पेजेस स्टडी किए, मैंने खुद के मेरे 1200 पेजेस की PPT बनाई है, ब्रोशर्स बनाए हमने बहुत अच्छे अच्छे, और 10 लाख पेज का मेरे पास इसके PDF अवेलेबल है। प्लस बायोमैग्नेटिक और नेचुरल थेरेपी के ऊपर मेरे पास 1000 से भी ज्यादा इंटरनेशनल बुक्स है, जो $50 से लेकर $100 की बुक्स है, उसकी लिस्ट मैं आपको भेज सकता हूँ। आप मार्केट से amazon.com से या कहीं से भी आप उसको खरीद सकते। तो आपको डेमो क्लियर हुआ, आपको कुछ सवाल है तो पूछ सकते, तो मैं उसका मिली मतलब इसके बारे में और कोई साइंटिफिक समझना आपको क्लियर। चलो थैंक यू वेरी मच।